देखिए, राहुल गांधी जी को जातीय गणना पर, जनगणना पर बहुत चिंता हो रही है, और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब जातीय गणना कराया और उस समय हम लोग INDIA में थे, दो बैठक हुई मुंबई में, बेंगलुरु में, हम लोगों ने लगातार कहा कि इस पर जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पारित करिए, उन्होंने नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया इसको श्री सुश्री ममता बनर्जी के दबाव में। अब आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, आज कह रहे हैं जातीय गणना होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए, और जब हम लोगों ने करा लिया तो आज तक कभी राहुल गांधी जी ने बिहार में, जब हम लोग NDA में नहीं थे, तब की बात हम बता रहे हैं, जब हम लोग NDA में नहीं थे, कभी राहुल गांधी जी ने बिहार में जो जातीय गणना हुई उसका कभी उन्होंने प्रशंसा किया? नहीं किया। तो ये घड़ियाली आंसू वो बहाते हैं, वो जनता को भ्रमित करने के लिए एक स्लोगन देते हैं, ये उनका काम है, वो करते रहे, इसलिए वो कोई आधार नहीं है उनकी बात का। सर, पेंशन स्कीम पास कर लीजिए, ये बहुत ही अच्छा है, और राज्य सरकारों को भी चाहिए कि 18% 18.5% पर वो भी आए। कई राज्यों ने, जो केंद्र की सरकार ने 10% से 14% किया, उसको भी नहीं बढ़ाया, उसमें INDIA के रूल्ड स्टेट्स हैं, कई राज्य हैं, और अब केंद्र सरकार ने उसको 14% से बढ़ा के 18% कर दिया, इसलिए INDIA और राहुल गांधी को चाहिए कि उनकी पार्टी का जो राज्यों में सरकार है उनको वो कहे कि केंद्र के इस मॉडल को अपने अपने राज्यों में भी लागू करें।